सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और पास वाला घंटा को बजाएं ताकि आपको नया अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्वागत है मेरे चैनल पे और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपका पसंदीदा एनिमेटेड गिफ जो आप अपना फ्रेंड्स को भी भेजते रहते हैं व्हाट्सएप में। तो ये एक रिसेंट न्यूज़ है कि ये जो एनिमेटेड गिफ आप भेजते हैं अपना फ्रेंड्स को या किसी को भी, तो इसमें आपको भी रिस्क है और आप जिसको सेंड करते हैं उसको भी रिस्क है। मेन फैक्ट जो है मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी सतर्क कीजिए। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो रिसेंट न्यूज़ है, मैं आपको इजीली समझा देता हूँ ये एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है और ये कितना सच है कितना झूठ है। आप जब अपना फ़ोन में डाउनलोड करते हैं एनिमेटेड गिफ को, तो उसमें क्या होता है, हैकर्स का जो कोडिंग वाला मेलिशियस वायरस है जो आपका फ़ोन में इंजेक्ट होने के बाद आपका जो डिटेल्स वगैरह है, जैसे आपका कोई इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक बैंक अकाउंट का डिटेल्स या आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो उसका डिटेल्स जो है वो हैकर्स तक लीक कर सकता है। तो उसके बाद आप ये गिफ जो है अपना फ्रेंड्स को भी जब सेंड करते हैं तो वो लोग जब डाउनलोड करके वो गैलरी में ओपन करते हैं तो उनका फ़ोन में भी जो है ये कोड जो है ये इंजेक्ट होता है उनका सिस्टम में। सिस्टम में इंजेक्ट होने के बाद उनका जो सभी डाटा है, जैसे आपका यूज़र डाटा जैसे लीक होता है, उनका डाटा भी हैकर्स को लीक हो सकता है। तो उसमें क्या होता है, आपका जो इंपॉर्टेंट जैसे आपका कोई बैंक बैलेंस का इशू है या आप नेट बैंकिंग करते हैं वो सब भी वगैरह जो है आपको लीक हो सकता है। तो उसमें हैकर्स का ये जो वायरस ये कैसे काम करता है, आप जब डाउनलोड कर लेते हैं वो आपका इंटरनल में जाके एक रिमोट के जैसा काम करते हैं, वो लोग जो डाटा आपका फ़ोन से निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों से शेयर कीजिए, उनको भी सतर्क कीजिए और आप भी सतर्क।